सर क्या करें, कैंडल मार्च निकाल लिया, गांधी जी को खत लिख दिए और हम लोग गांधीवादी तरीके से ही पहले दिन से अपनी बात रख रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा है खुद को पीड़ा दो, सरकार माने चाहे नहीं माने, जब तक नहीं माने तब तक खुद को पीड़ा देते रहो। तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम, अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। आप हमारे सीनियर हैं मैम। बिल्कुल आपका पेन समझ सकती हूँ। आपकी जो भी अगर जायज मांगे, बिल्कुल जायज मांगे मैम। मैं आपकी आप देखो हम सबके साथ ये हुआ, मैंने 3 अटेम्प्ट किए हैं मैम। बिल्कुल मेरे साथ, मेरे को आपसे ज्यादा पता है कि क्या है, लेकिन एकदम आप खड़े हो मैम। ये आज के सत्र को जाने दो, संकल्प लेके आए हूँ, गांधी जी से वादा किया है। गांधी जी कल खुश होंगे जब आप अपने पैरों पे चल रहे हैं। खुद आजादी दिलाने के लिए दुख पाए, मैं तो आरपीएससी से डेट बढ़वा रहा हूँ। नहीं मैम आप दीदी हो, मैम सीनियर हो आप। किसकी बात मानते हैं? पांच डेलीगेशन था, पांच जने का बात मानने वाले जयपुर छोड़ के आए हम यहाँ। आप वहाँ तक जा रहा हूँ मैम, कहीं आगे नहीं। मैम वहाँ उस बोर्ड तक जाने दो, बस एक बार बोर्ड तक, वो जो रास्ता है मैं अंदर नहीं जाऊँगा मैम। मैं आपके आपसे वादा कर रहा हूँ मैम, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, डेलीगेशन जाएगा। आप अभ्यर्थी हो? हाँ मैम। आप पॉलिटिशियन नहीं हो? नहीं हूँ मैम। ठीक है ना, मैं आप कोई दर्शनार्थी हूँ? नहीं हूँ। आप अपने हक की चीज मांग रहे हो या कोई और चीज मांग रहे हो? हक की चीज मांग रहे हैं। ऐसे गिड़गिड़ा के क्यों मांगना आपका अधिकार? मैम क्या करें, पूरे लेटर लिख दिए, पूरा जो है डेलीगेशन भारती डोगरा मैम से मिल लिया मैम, बात ही नहीं मान रहे मैम। बताओ एक भी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया मैम हमने, एक भी सिंगल पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सर आरपीएससी जो है 25-26 फरवरी को अपना मुख्य परीक्षा का आयोजन करवा रही है और इन्होंने जो है मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है वो प्री एग्जाम जो हुआ 19 नवंबर को जो एग्जाम हुआ उसके 10 दिन बाद में मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी किया, 10 दिन बाद जारी किया, जो किया उसमें 70% से भी अधिक विषयों के अंदर बदलाव किया, जिसकी वजह से अब हमें 3 महीने से भी कम समय मिला है तैयारी करने का। इसलिए हमारी ये मांग है, सिलेबस जो है वो हमें स्वीकार्य है, लेकिन हमारी मांग है कि एग्जाम को जो है पोस्टपोन किया जाए और कम से कम 2 महीने का जो है वो हमें समय दिया जाए ताकि हम पर्याप्त तैयारी कर सकें और मुख्य परीक्षा में जो है नए जोश के साथ में हम बैठ सकें। सर क्या करें, कैंडल मार्च निकाल लिया, गांधी जी को खत लिख दिए और हम लोग गांधीवादी तरीके से ही पहले दिन से अपनी बात रख रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा है खुद को पीड़ा दो, सरकार माने चाहे नहीं माने, जब तक नहीं माने तब तक खुद को पीड़ा देते रहो। तो दे रहे परवेज भैया आज हमने आरपीएससी के अंदर ज्ञापन दिया है। आरपीएससी के अंदर हमारी मुख्य मांग जो थी वो इस प्रकार थी कि जो आरपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी फरवरी के अंदर उनका पेपर लिया गया और जिसके अंदर उनका जो प्री का रिजल्ट आ चुका है और प्री के रिजल्ट आने के बाद में मेंस के अंदर उनका सिलेबस जो है 90% चेंज कर दिया गया है और उनको ओनली फॉर 93 दिन मिले हैं। 93 दिन के अंदर आरएस के अंदर जो भर्ती की आरएस अभ्यर्थी है वो तैयारी नहीं कर सकता, इसीलिए आज आरएस के राजस्थान भर से जो युवा पधारे उन युवाओं ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है आरपीएससी चेयरमैन को और उनसे जो तारीख आगे बढ़वाने की मांग की। उदय सिंह शेखावत।